खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। और वहीं राजस्थान सियासी विवाद पर दिन भर की हलचल के बाद अब सचिन पायलट ने कहा है कि राजनीति में व्यक्तिगत दुर्भावना की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने मेहनत की है उनकी सरकार में भागीदारी हो, लड़ाई पद के लिए नहीं आत्मसम्मान के लिए थी। पार्टी पद देती है तो पार्टी पद ले भी सकती है। उन्होंने कहा है कि जो वादे सत्ता में करके आए थे वो पूरा करेंगे। राहुल और प्रियंका से मुलाकात पर सचिन पायलट ने कहा कि मैंने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विस्तार से चर्चा की, साथी विधायकों की बातों को हमने सामने रखा। मुझे आश्वासित किया गया है कि 3 सदस्यीय की कमेटी जल्द इन तमाम मुद्दों का समाधान करेगी। ये सैद्धांतिक मुद्दे थे। आपको बता दें कि इससे पहले पायलट ने आज दूसरी बार राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस वॉर रूम में हुई इस बैठक में राहुल के अलावा प्रियंका गांधी, अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल बैठक में मौजूद थे। पत्तियां थी या जहां पर मुझे लगा कि अपनी बात रखना बहुत जरूरी है तो कांग्रेस के समक्ष मैंने उस बात को रखा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने विस्तार से आज चर्चा करी और हमारे जो साथी विधायक हैं उन सब की बातों को, उन सब के कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है और मुझे आश्वासित भी किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात का कि ये 3 सदस्य कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, सैद्धांतिक मुद्दे थे, गवर्नेंस के इश्यूज से जो मैं चाहता था एड्रेस हों ताकि पार्टी और सरकार उन वादों पर खरा उतर सके जिन वादों को कर हम सत्ता में आए थे। और पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है, मुझे बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। राजनीति में आज 18-20 साल से मैंने जो योगदान दिया है व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रति, पार्टी भी बात को जानती है, पर हमने हमेशा कोशिश करी है कि जिन लोगों ने मेहनत कर इस सरकार का निर्माण किया है उन लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा जी ने आज जो कमेटी का गठन किया है और ये बात भी जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा कि समयबद्ध तरीके से इन सब बातों को सुनकर इसका अच्छा निराकरण किया जाएगा। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने राजस्थान की सियासी संकट खत्म होने पर प्रतिक्रिया देते हुए खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ जो पायलट ने घर वापसी कर ली, उन्हें पहले ही आलाकमान से बात करनी चाहिए थी। वहीं पीएल पुनिया ने कहा है कि कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया था कि पायलट गुमराह हो गए थे, वो जब चाहे घर वापसी कर सकते हैं, उन्हें खुला निमंत्रण था। उन्होंने देखिए अच्छी बात है, अच्छी खबर है और मैं समझता हूँ कि सचिन पायलट को पहले ही ये कोशिश करनी चाहिए थी, लीडरशिप से बात करनी चाहिए थी तो शायद जो पूरा मामला इतना तूल पकड़ा वो शायद नहीं पकड़ता और मामला बातचीत के ज़रिए सुलझाया जा सकता था। है पार्टी के अंदर का मामला पार्टी के लीडरशिप से, नेतृत्व से बात करके उसको समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख प्रवक्ता सुरजेवाला जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये परिवार के सदस्य हैं सचिन पायलट और जो MLAs जो गुमराह होकर अलग बैठे हैं वो बैठ के बात करनी चाहिए, परिवार में बैठ के बात करनी चाहिए, जो शिकायत है उसका निराकरण होता है। तो ये खुला निमंत्रण था उनके लिए और अगर वो मिलके और समाधान करते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो। तो पायलट की घर वापसी पर तारिक अनवर ने खुशी जताई है। तो जिस तरह से लगभग 1 महीने चला सियासी घटनाक्रम जो राजस्थान का, जिसमें इस तरह से उठा पटक लगातार मची हुई थी, अब वो खत्म हो जाएगा क्योंकि सचिन पायलट की घर वापसी लगभग तय है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बात मान सम्मान की थी, पद की नहीं थी, मान सम्मान बना रहना चाहिए। हमारे एडिटर इन चीफ वासिन मिश्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वासिन जी, जिस तरह से देखा जाए लगभग 1 महीने से राजस्थान का पूरा सियासी घटनाक्रम चला और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये सियासी घटनाक्रम खत्म हो जाएगा क्योंकि सचिन पायलट की वापसी लगभग तय मानी जा रही है, इस पूरे सियासी घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए अनन्या, अगर हम
पिछले एक महीने से इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर नजर डालें तो एक बात तय हुई है कि राजस्थान की राजनीति में अभी भी अशोक गहलोत का पलड़ा भारी है। वो चाहे कांग्रेस पार्टी की राजनीति हो या पूरे राजस्थान की राजनीति हो, अशोक गहलोत ने इस पूरे एक महीने के शक्ति प्रदर्शन में न केवल अपने पार्टी के अंदर अपनी स्थिति मजबूत की है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी कड़ी चुनौती दी है और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहे जो फैसला करे लेकिन राजस्थान की राजनीति बगैर अशोक गहलोत के घूम नहीं सकती, उसमें कोई दिशा नहीं बदली जा सकती। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि जो भी आगे की कार्रवाई हो रही है वो अशोक गहलोत की रजामंदी से हो रही है, चाहे वो सचिन पायलट की वापसी है या तीन नेताओं की कमेटी का गठन है या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सचिन पायलट से मुलाकात है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की रजामंदी से अशोक गहलोत की को कॉन्फिडेंस में लेके ही कांग्रेस आलाकमान कर रहा है और अब माना जा रहा है कि महाजय की औपचारिकता है अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात। सचिन पायलट के जो सबसे मजबूत कड़ी थे जो उनके साथ अलग हुए थे और जिन्होंने बीजेपी से बातचीत शुरू की थी कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की, भंवरलाल शर्मा कल ही अशोक गहलोत से मिल चुके हैं और वो अपना समर्थन ऐलान कर चुके हैं कांग्रेस सरकार को अशोक गहलोत को। तो अब ये की औपचारिकता है और एक फेस सेविंग कहीं ना कहीं से एक फार्मूला निकालने की कोशिश हो रही है और इस पूरे मामले में अगर किसी की सबसे ज्यादा राजनैतिक तौर पर छवि खराब हुई है तो अशोक गहलोत की हुई है और बीजेपी के उन नेताओं की हुई है जो अति उत्साह में राजस्थान की सरकार गिराना चाह रहे थे और जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त की थी तो उनकी कोशिश थी कि राजस्थान के भी कांग्रेस विधायकों को उसी तरह से खरीद फरोख्त करके और गहलोत की सरकार को गिरा दिया जाए। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी के लिए तो हमेशा से ही कहा जाता रहा है कि इनको जहां भी जिस भी प्रदेश में कुछ ही गुंजाइश लगती है वहां सरकार बनाने की हर तरीके से कोशिश में जुट जाती है बीजेपी। लेकिन इन सब के पीछे अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि जो नाराजगी लगातार जिसको लेकर कह रहे थे सचिन पायलट ना ही कांग्रेस आलाकमान उनसे बातचीत कर रहा है, अगर हम शुरुआती दौर की बात करें और जो सबसे पहले कहा गया था कि एसओजी की तरफ से उनको नोटिस भेजा गया था और जिससे सबसे ज्यादा वो आहत हुए थे और उन्होंने ये जाते जाते कहा भी कि बात पद की नहीं थी, बात आत्मसम्मान की थी। देखिए, राजनीति में जो बातें कही जाती हैं और जो असलियत होता है उसमें बहुत अंतर होता है। सच्चाई यही है कि राजस्थान विधानसभा का चुनाव परिणाम आने के दिन से ही सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन चूंकि कांग्रेस के विधानमंडल दल में उनकी बहुमत नहीं थी, कांग्रेस के जो कुल चुने हुए विधायक थे उसमें से मुश्किल से 18-19 विधायक ही थे जो सचिन पायलट के पक्ष में थे, बाकी ज्यादातर विधायक अशोक गहलोत को ही अपना नेता चाहते थे और मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी और उसके आलाकमान को अशोक गहलोत के पक्ष में फैसला करना पड़ा, लेकिन सचिन पायलट को भी एक सम्मानजनक तरीके से समायोजित किया गया था और उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दी गई थी। सचिन पायलट की जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसने सचिन पायलट को बीजेपी के पाले में जाने के लिए मजबूर किया और सचिन पायलट को लगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकार गिरी है उस तरह का काम राजस्थान में भी हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश की लीडरशिप और राजस्थान की लीडरशिप में एक जो बेसिक अंतर है कि मध्य प्रदेश के वो जो दोनों नेता थे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, उनका मास कनेक्ट नहीं था, वे कभी भी मध्य प्रदेश की मास पॉलिटिक्स नहीं किए हैं, वे हमेशा दिल्ली की राजनीति करते रहे पिछले लगभग कई दशकों से और उनको एक तरह से पैराट्रूपर बना के दिल्ली लीडरशिप मध्य प्रदेश में थोपी थी और दूसरा कमलनाथ का अपना बिजनेस एम्पायर है
तो जब केंद्र की सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियां कमलनाथ और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू की, छापेमारी शुरू की, तो कमलनाथ ने एक तरह से सरेंडर कर दिया। और ऐसे हालात में जो कांग्रेस के विधायक थे, जो फैंस सीटर थे, वे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के तरफ भाग खड़े हुए और ज्योतिरादित्य को आगे करके बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी। लेकिन राजस्थान की स्थिति फर्क है। राजस्थान में भी बीजेपी और केंद्र की सरकार ने वही फार्मूला अपनाने की कोशिश की। केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए छापेमारी कराई गई, अशोक गहलोत के भाई, उनके करीबियों के वहां छापे डाले गए। लेकिन अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में, उनका एक मास कनेक्ट है, वो एक मास लीडर माने जाते हैं, उनका हर जिले हर ब्लॉक में उनकी सीधी जान पहचान है, सीधी पकड़ है वर्कर्स के साथ। तो इसलिए अशोक गहलोत, और दूसरा अशोक गहलोत को कोई बिजनेस एम्पायर नहीं था जिसको बचाने के लिए उस केंद्र सरकार के सामने या केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने सरेंडर करते। तो इसलिए मध्य प्रदेश का फार्मूला राजस्थान में नहीं चल पाया। और जब सचिन पायलट को लगा कि मध्य कि अब वे अलग थलग पड़ जाएंगे, तो उन्होंने समझदारी दिखाई और एक बार फिर कांग्रेस लीडरशिप से बात करके अब अपनी वापसी करना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।